तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के हमारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन देखेंगे, किस तरह उनको डिक्लेयर करते हैं, और नेमिंग कन्वर्सेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे मेन डॉट टी एस फाइल के अंदर, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। और जैसे कि आप लोगों ने अभी तक ये चीज़ तो कर ली हुई है, हेलो वर्ल्ड कंसोल के अंदर, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। और मीन वाइल में यहाँ पे टीएससी वॉच मोड में चला लेता हूँ, ताकि हमें बार बार जो है वो टीएससी इसको कंपाइल करना ना पड़े। मैं जो भी चीज़ यहाँ पे लिखूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेन डॉट जेएस के अंदर आ जाए। मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं यहाँ पे नोड स्पेस मेन डॉट जेएस लिखूंगा तो मेरे पास प्रिंट होके आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नया पावर शेल या कमांड का टर्मिनल ओपन कर लें आप लोग, ठीक है। एक के अंदर हमारा वॉच मोड ओपन है, दूसरे के अंदर हम क्या करेंगे, नोड स्पेस मैन डॉट जेएस, ठीक है, उसको रन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो आता रहेगा इस तरह, ठीक है। तो अच्छा जी, तो आते हैं हम डेटा टाइप्स के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे कुछ पीपीटी बना ली है, इसको हम साथ साथ देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ मीटिंग कंट्रोल्स सेट कर लेता हूँ पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले, बस 2 सेकेंड। अच्छा जी, तो इसको मैं स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और डेटा टाइप से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास दो किस्म के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। तो प्रिमिटिव हम आज देख लेंगे, बाकी जो होंगे वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप से हमारे पास स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है, बूलियन होता है, ठीक है। अच्छा, वॉइस और स्क्रीन का बता दीजिएगा चैट बॉक्स में, ठीक है। वॉइस और स्क्रीन का जरूर बता दीजिएगा, क्लियर है या कोई इश्यू है तो बता दें चैट बॉक्स में। तो जैसे एज ऑलवेज हमेशा आप लोगों से मैं पूछता हूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले वॉइस और स्क्रीन का, देख लेते हैं चैट बॉक्स में। ऑलमोस्ट क्लियर है, सबके पास क्लियर है, गुड, चलें, दैट्स गुड। सो लेट्स स्टार्ट। तो डेटा टाइप्स में हमारे पास दो डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। प्रिमिटिव जो होते हैं वो हमारे पास बेसिक होते हैं, क्लासिकल डेटा टाइप्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल और सिंबल। अब इसमें से जो हमारे काम के हैं ज्यादातर जो यूज हो रहे होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, ठीक है। ऊपर वाले तीन ज्यादातर यूज हो रहे होते हैं, अनडिफाइंड और नल को भी हम देख लेते हैं क्या होता है। सिंबल होता है और उसके अलावा एक बिगिंट होता है। अब सिंबल और बिगिंट कम ही यूज होते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, ठीक है। बाकी जो नॉन परमिटिव है वो हम आज नहीं देखेंगे, वो आगे चल के देखेंगे। तो देख लेते हैं हम। अच्छा, चैट बॉक्स में किसी ने कहा आवाज नहीं आ रही, तो हो सकता है आपका ऑडियो ऑफ हो। मैंने ये चीज़ ग्रुप में अनाउंस भी कर दी थी, तो आप में से प्लीज कोई मेंबर में से ग्रुप में ये चीज़ अनाउंस कर दे कि ऑडियो किस तरह ऑन होता है, तो अपने मेंबर्स की हेल्प कर लें। गुड, चलें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। चलें, इनको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर क्या होता है, बूलियन क्या होता है, ठीक है। तो ये स्पोर्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, आपने जो सबसे पहले काम किया था, पहले पहले दिन हेलो वर्ल्ड लिखा था, तो ये आपने लिखा था कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर लिखे या डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो हम बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप, हेडिंग दे दी, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख के बताता हूँ किस तरह लिखते हैं। जैसे मेरे पास कोई टेक्स्ट लिखना हो, मुझे मिसाल के तौर पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है, जैसे एबीसी हो गया, ठीक है। तो एबीसी हम इस तरह नहीं लिखेंगे, देखें एरर आ रहा है। एबीसी लिखने के लिए एबीसी को हम कहेंगे ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रिंग बनाने के लिए हम इसको या तो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, या तो इसको हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। एक काम करते हैं, सब दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, डबल कोट्स के अंदर भी लिख के देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका डबल कोट्स के अंदर आ गया, ये आपका सिंगल कोट्स के अंदर आ गया एबीसी, ठीक है। और एक और तरीका होता है स्ट्रिंग को लिखने का, वो होता है आपका बैक टिक्स, कहते हैं इसको बैक टिक्स, होता है आपके जो एस्केप बटन होता है लैपटॉप में उसके नीचे होता है बैक टिक होता है, ठीक है, वन के पास और एस्केप के नीचे, वन के लेफ्ट साइड पे, ठीक है, बैक टिक्स होता है।
तो ये तीन तरीके होते हैं स्ट्रिंग लिखने के। इस तरह से हम स्ट्रिंग लिखते हैं, तो इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो रिजल्ट भी हमारे पास सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ नोट मैंड और जेएस। तो देखें एबीसी 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 तीनों लाइनों का हमारे पास सेम ही रिजल्ट आया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर यानी डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट सिंगल कोट या ब्रेक टिक के अंदर आप लोग कोई भी यहाँ पे चीज लिखेंगे वो एज ए स्ट्रिंग होगी। चाहे आप यहाँ पे नंबर लिख लें ABC 1 2 3 कर लें इसको, ठीक है। तो ये भी स्ट्रिंग कहलाएगा, 1 2 3 यहाँ पे नंबर नहीं कहलाएगा हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये एज ए स्ट्रिंग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। तो इसको अगर मैं दोबारा से सेव करके और प्रिंट करूँ तो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रिंग आएगा। या फिर ABC हटा भी दूँ मैं, सिर्फ नंबर लिख दूं तो ये नंबर नहीं कहलाएगा, अभी हमारे पास स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ नोड मैन डॉट जेस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 2 3 ABC। तो स्ट्रिंग आपको क्लियर हो गया, स्ट्रिंग क्या होता है, किस तरह लिखते हैं। अब इसके अंदर आप जो भी चीज लिखेंगे ना वो आपकी स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी। आप प्लस लिखे, कोई साइन लिख रहे हैं, कोई भी चीज डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज आप लिखेंगे वो आपकी एज ए स्ट्रिंग कहलाती है। तो यहाँ तक क्लियर है? तो चैट बॉक्स में आप मेरे साथ इंटरेक्शन करते हुए चले, यस लिखें, क्लियर लिखें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, माइक ऑन करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। गुड, तो स्ट्रिंग आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आते हैं नंबर डेटा टाइप पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ मैं नंबर डेटा टाइप, डेटा टाइप की। अच्छा, चेक करने के लिए हम कंसोल यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंसोल यूज कर रहे हैं। अगर ब्राउजर के ऊपर चेक करना हो तो हम कंसोल के अंदर भी चेक कर सकते हैं, अलर्ट के अंदर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे। तो फिलहाल हम आ जाते हैं नंबर डेटा टाइप पे, ठीक है। तो नंबर डेटा टाइप को भी मैं अगर कंसोल के अंदर रखूं, ठीक है, तो मैं कंसोल के अंदर क्या करूंगा, नंबर डेटा, नंबर जब भी हमें चाहिए होता है हम क्या करते हैं, कोई भी सिंबल यहाँ पे नहीं देते, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी आप कोड, कोई भी चीज यूज नहीं करते, डायरेक्ट आप नंबर लिख लेंगे इस तरह से। जैसे मैंने 100 लिखा है, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह से इतनी मर्जी लाइनें बना रहे, ठीक है। 100 लिख लें, 1000 लिख लें, 10,000 लिख लें, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें 5 लिख लें, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें 0 लिख लें, ठीक है। ये आपके पास नंबर इस तरह से आता है। नंबर को हम किसी भी डेटा टाइप, किसी भी सिंबल के स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखते, ठीक है। तो डायरेक्ट जो लिखते हैं उसको हम नंबर कहते हैं। अब नंबर्स को, अच्छा यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को बता दूं, चलें पहले इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं। यहाँ मेन डॉट जेएस, तो ये देखें हमारे पास ये नंबर्स प्रिंट होके आ गए सर। अच्छा, एक और चीज होती है वो भी आपको साथ साथ यहाँ पे मैं बता देता हूँ। टाइप चेक करने के लिए एक और चीज हम यूज करते हैं, चेक टाइप ऑफ डेटा मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? टाइप ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ एक मेथड होता है, ये हम यूज करते हैं किसी भी चीज का टाइप देखने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ मुझे इसका टाइप मिले, ठीक है। ABC क्या टाइप है, स्ट्रिंग है क्या है, ये तो मैंने, मुझे पता है कि स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मुझे इसका टाइप प्रिंट करवाना हो तो मैं टाइप ऑफ भी यूज कर सकता हूँ। टाइप ऑफ एक मेथड है, वो हम प्रिंट करवाने के लिए कंसोल के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टाइप ऑफ, ठीक है। देखें सजेशन भी दे रहा है मुझे, टाइप ऑफ लिख के स्पेस दूंगा और मैं यहाँ पे इस तरह से सिंगल कोट्स के अंदर अगर ABC लिख दूं तो मुझे ABC का ये टाइप बता देगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सेव और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नोट मेन डॉट जेएस। तो देखें टाइप इसने मुझे बता दिया, बाकी कंसोल के अंदर जो चीजें थी वो उसने बता दी। नीचे वाले कंसोल के अंदर मैंने लिखा था टाइप ऑफ ABC, तो इसने बता दिया स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस तरह आप टाइप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए नंबर डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, उसके बाद आता है बूलियन डेटा टाइप। तो अब मैं इसको कमेंट आउट कर लूं गली, ठीक है। तो नीचे हम अभी दूसरा डेटा टाइप देख लेते हैं, इसकी हेडिंग दे देता हूं यहाँ पे बूलियन डेटा टाइप। क्या होता है बेसिकली, बूलियन डेटा टाइप को, बूलियन डेटा टाइप के दो वैल्यूज होते हैं, एक होता है ट्रू
और दूसरा होता है फॉल्स, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में सिर्फ हम प्रिंट करवाने के लिए लिखते हैं, अदरवाइज ये बुलियन डेटा टाइप के अंदर दो चीजें होती हैं, एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है। ये जब भी होगा इसका टाइप आपको मिलेगा बुलियन, ठीक है। अब बुलियन डेटा टाइप मिसाल के तौर पे मैं अगर कंसोल के अंदर लिखूं, कंसोल के अंदर मैं कहता हूं टू इक्वल्स टू टू, क्या दो दो के बराबर है? अगर सही होगा तो हमें ट्रू बता देगा, अगर गलत होगा तो हमें फॉल्स बता देगा, ठीक है। तो ये रन करके देखते हैं यहाँ पे, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर तो ये आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इसने रिजल्ट नहीं दिया हमें, देखते हैं इसको। ट्रिपल इक्वल करके देख लेते हैं, ठीक है। ये एडवांस थोड़ा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, नहीं भी समझ आया ना अभी तो इसको इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें इसने यहाँ पे क्या बता दिया, ट्रू बता दिया। ये अगर दो में कमेंट आउट कर लूँ, ये कर दूँ, अब अगर मैं इसको करूँ नोट मेन डॉट जेएस, तो इसने मुझे यहाँ पे ट्रू दे दिया, क्यों? क्योंकि दो दो के बराबर है। अगर ये दो बराबर मैं इस तरह कर दूँ, क्या टू इक्वल्स टू थ्री, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रिंट करवाने की जरूरत ही नहीं है, फॉल्स है क्योंकि ये इसके बराबर है ही नहीं, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जब करते हैं तो ये हमें फॉल्स दे देता है, ठीक है। तो इसको मैंने सेव नहीं किया, इसलिए ये यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है ट्रू का, तो ये हमें एरर दे देगा, यहाँ पे फॉल्स आ गया, देखें फॉल्स आ गया। तो इस तरह आपका ट्रू और फॉल्स समझाने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे ये किया है, ठीक है। तो ये ट्रू और फॉल्स आपके बूलियंस में आ जाते हैं, ट्रिपल इक्वल्स टू, गुड। अच्छा जी, तो यहां तक क्लियर है, बूलियंस भी आप लोग के क्लियर हो गए। ये हमारे पास तीन डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, ठीक है। अनडिफाइंड और नल भी देख लेते हैं हम, लेकिन उससे पहले हम वेरिएबल्स देख लेते हैं। वेरिएबल के अंदर ये चीजें ज्यादातर यूज हो रही होती हैं, अनडिफाइंड और नल, ठीक है। तो अच्छा, स्ट्रिंग्स किस तरह यूज करते हैं ये मैंने बता दिया आपको, ये वही चीज लिखी हुई यहाँ पे, सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स और ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा स्ट्रिंग्स कंसोल के अंदर, कंसोल तो आप लोग को पता है, ये कंसोल डॉट लॉग के हवाले से कुछ चीजें लिखी हुई हैं। तो कंसोल हम यूज क्यों करते हैं, कंसोल के अंदर प्रिंट करवाने के लिए। तो कंसोल के अंदर हम कुछ चीजें भी कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे कंसोल के अंदर अगर मुझे दो स्ट्रिंग पास करवाने, मैं एक कहता हूँ हेलो, तो मैं कामा देके दूसरा स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ वर्ड, ठीक है। मैं कामा देके तीसरा स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, दिस इज टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। कामा के साथ हम इस तरह से मल्टीपल स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं, तो ये भी कंसोल की प्रॉपर्टी है, कंसोल के अंदर इस तरह करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो हमारे पास तीनों चीजें आ जाएंगी, हेलो वर्ल्ड, दिस इज टाइप स्क्रिप्ट सेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा यूज होता है यहाँ प्लस, कॉमा की तरह एक प्लस साइन यूज होता है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, वो डिफरेंस भी देख लेते हैं क्या होता है। इसको सेव कर लिया, दोबारा से आगे देख लेते हैं मैन डॉट जेएस। अब देखें ये ऑटोमेटिकली आपका कंपाइल होता जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कंपाइलर रन किया हुआ है, वॉच मोड रन किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर ऑलरेडी ये सारी चीजें आती जा रही है, देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, तो इसको एंटर करते हैं। अब देखें हेलो वर्ल्ड, दिस इज टाइप स्क्रिप्ट सेशन, ये इसका रिजल्ट आ गया कामा वाले का, और ये प्लस वाले का हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये नीचे वाला, हेलो वर्ल्ड, दिस इज टाइप स्क्रिप्ट सेशन। अब प्लस वाले को हम कहते हैं कॉनकेटिनेशन, प्लस जब भी हम यूज करते हैं ये मेथड यूज होता है कॉनकेटिनेशन। कॉनकेटिनेशन मतलब मिलाना दो चीजों को, दो डेटा टाइप्स को मिलाना आपस में, ठीक है। अब देखें ये बिल्कुल आपस में जुड़ गए हैं, हेलो वर्ल्ड, हेलो के बाद जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल जुड़ गया है, क्योंकि इनके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं आया, जबकि कामा जब यूज करते हैं तो एक स्पेस आ जाता है। तो यहाँ पे अगर स्पेस देना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर स्पेस दे देंगे ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको सेव करके दोबारा जब प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा, हाउ टू रन वॉच मोड।
वॉच मोड मैंने बता दिया था, यहाँ पे चैट बॉक्स में आंसर भी आ गया है, ठीक है आप लोगों को, कि TSC लिख के स्पेस करके हम यहाँ पे -W लिखते हैं, ठीक है। भी समझ ना आए तो इंशाल्लाह रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। तो ये हमारा होता है कंसोल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इनको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर लेता हूँ और आ जाते हैं यहाँ पे। तब बूलियंस भी हमने देख लिए क्या होता है, अब वेरिएबल्स देख लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स के बाद हमें मजीद ये जो डेटा टाइप्स हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे, और कुछ अनडिफाइंड और नल भी देख लेते हैं क्या होता है। तो अब मैं यहीं पे नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स डिक्लेरेशन। वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करना होता है, मतलब वेरिएबल बनाना, वेरिएबल डिक्लेयर करना मतलब वेरिएबल बनाना, क्रिएट करना। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन जब भी हम करते हैं वो तीन चीजों के साथ कर सकते हैं, एक लेट के साथ, दूसरा कॉन्स के साथ, और तीसरा होता है वार के साथ। वार को हम कम यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, ऐसा नहीं यूज नहीं करते, लेकिन कम यूज करते हैं। ज्यादा हमारा जो होता है, ज्यादातर जो यूज करते हैं फोकस होता है लेट के ऊपर, ठीक है। लेट लेट के बाद कॉन्स, कॉन्स के बाद वार। अब इनका डिफरेंस भी आज हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम डिक्लेरेशन देख लेते हैं, ठीक। अब इनको डिक्लेयर जैसे मुझे कोई भी, अच्छा सबसे पहले तो ये देखें वेरिएबल होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर ही आप लोगों को थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दूं, मैं एनोटेशन खोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, जैसे लेट से मैं यहाँ पे एक डब्बा बना लेता हूँ, ठीक है। एक डब्बा मैंने यहाँ पे बना दिया, दूसरा भी बना दिया, तीसरा भी बना दिया, ठीक है। अब एक डब्बे के अंदर जब भी हम कोई चीज स्टोर करते हैं, लेट से मैं इसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ एप्पल, ठीक है, और इसके अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ बॉल, ठीक है, इसके अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ फ्लावर्स। तो इनका जब, इनको जब किसी चीज के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और उस डब्बे का अगर मैं नाम रख दूं, एक आइडेंटिटी दे दूं डब्बे को, लेट से मैं इस डब्बे को एक आइडेंटिटी दे देता हूँ, बॉक्स 1, ठीक है। इसको हम दे देते हैं कंटेनर, ये कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। इसको हम दे देते हैं लेट से माई वेरिएबल, भी नाम रख सकते हैं इसका, ठीक है। कौन कौन से नाम रख सकते हैं आप वेरिएबल्स के, ये भी चीज हम आज देखेंगे, ठीक है। सर एप्पल वॉल शो नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा जूम पर है वीडियो, प्लीज एक्सप्लेन एडवांस टाइप्स। अच्छा ये बताया मुझे आप लोगों को, ये स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है, बॉक्सेस जो मैंने बनाए हैं उसके अंदर जो मैंने ये चीजें बनाई हैं, तो कोई चैट बॉक्स में किसी ने कहा है कि ये नजर नहीं आ रहे, या तो वो पर्सनली उनके पास इशू है, या फिर अगर मेरी तरफ से क्लियर है, बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, बॉक्सेस के अंदर बॉल जो फ्लावर्स मैंने रखा है, जो चीजें रखी हैं कंटेनर के अंदर, वो सब नजर आ रही है, ऑलमोस्ट सबके पास आ रही है, ठीक है। तो आप अपनी तरफ देख लें, कोई सिग्नल इशू होगा, हो सकता है आपने अपना स्क्रीन जूम कर दिया हो, मेरी तरफ से तो सब ओके, ठीक है। तो प्लीज कंफर्म फ्रॉम योर साइड। तो यहाँ पे मैंने तीन बॉक्सेस बना दिए, एक का नाम मैंने कंटेनर बॉक्स रख, बॉक्स 1 रख दिया, दूसरे का कंटेनर रख दिया, तीसरे का रख दिया माय वेरिएबल। तो ये जो चीजें होती हैं, ये हमारे पास बेसिकली वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, वेरिएबल्स भी इसी तरह बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इनको असाइन करने के लिए मैं कहता हूँ लेट बॉक्स 1 इज इक्वल टू, बॉक्स 1 के अंदर क्या है एप्पल है। अब ये टेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, अल्फाबेट लिख रहा हूँ, तो मैं किसके अंदर लिखूंगा, स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको, अच्छा सेंटेक्स आपने प्रॉपर फॉलो करना है, आपने ये सेमी कॉलन देना है एंड में, जबकि आपका, जब भी आपका एक लाइन का स्टेटमेंट खत्म हो, आपने यहाँ पे क्या देना है, सेमी कॉलन देना है। ये पूरा प्रॉपर सेंटेक्स होता है एक लाइन बनाने का, ठीक है। स्टेटमेंट खत्म हो गया हमारा, दूसरा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट कंटेनर इज इक्वल टू, कंटेनर के अंदर हमने बॉल रख दिया है, ठीक है, इसको मैंने खत्म किया, और मैं कहता हूँ लेट फ्लावर। अच्छा यहाँ पे फ्लावर्स मैंने कहाँ पे रखे हैं, माय वेरिएबल्स मैंने नाम रख दिया, इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया गया फ्लावर्स।
इस तरह मैंने तीनों देखे जो डब्बे बनाए। बेसिकली ये बॉक्स का कॉन्सेप्ट बताने के लिए बता रहा हूँ वेरिएबल का, कि बॉक्स के अंदर मेरा एपिल स्टोर हो गया यहाँ पे वेरिएबल का, और कंटेनर के अंदर बॉल स्टोर हो गया, और फ्लावर माय वेरिएबल के अंदर फ्लावर स्टोर हो गया। ठीक है, आप चाहें तो कोई नंबर भी यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं, लेट से 100 करवा लेते हैं। ठीक है, एक में नंबर कर देते हैं स्टोर। इस तरह हम वेरिएबल असाइन करते हैं। अब ये जो सॉरी डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो ये जो डिक्लेरेशन है ये आप कॉन्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं इन तीनों को कॉपी कर लूँ यहाँ से, यहाँ पे रख दूँ, तो ये जो मैंने लेट लिखा है, इस लेट की जगह अगर मैं कॉन्स्ट लिखूँ तो भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने दोबारा से वही वेरिएबल्स लिखे हुए हैं यहाँ। तो एक काम कर दें, ये हटा देते हैं, मैं इसको कंटेनर को असाइन कर डिक्लेयर करवा लेता हूँ कॉन्स्ट के साथ, और लेट को डिक्लेयर करवा लेता हूँ वार के साथ। तो ये तीनों तरीके यूज होते हैं वेरिएबल बनाने के लिए, कौन कौन से, लेट, कॉन्स्ट और वार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है वेरिएबल्स किस तरह डिक्लेयर होते हैं, इन तीनों तरीकों से डिक्लेयर होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये भी देख लेते हैं। अच्छा जी, तो अब वेरिएबल को लेट से मुझे कंसोल के अंदर अगर प्रिंट करवाना हो, तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा, और इसके अंदर मैं अगर बॉक्स वन रख दूँ, तो वेरिएबल जब भी रखना होता है याद रखें उसको हम स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखते। यहाँ पे जब मैं स्ट्रिंग लिख रहा था तो उसको मैंने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर रखा था, जबकि वेरिएबल्स हम डायरेक्ट इस तरह रखते हैं। ठीक है, अब अगर इसको मैं सेव करके और यहाँ पर आकर इसको रन करवाऊँ, तो देखें बॉक्स वन के अंदर जो भी चीज़ स्टोर होगी वो हमारे पास आती है। ठीक है, तो अगर इसका मैं टाइप देखना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप ऑफ, सॉरी स्पेस नहीं आएगा मेथड में, टाइप ऑफ बॉक्स वन। तो बॉक्स वन का टाइप बताओ मुझे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ नोड मैन डॉट जेएस, स्ट्रिंग टाइप है। बॉक्स वन के अंदर क्या है, एपिल है, लेकिन वो क्या है, स्ट्रिंग है, तो उसने मुझे स्ट्रिंग बता दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टाइप ऑफ माई वेरिएबल, तो माई वेरिएबल के अंदर क्या है, स्टोर है 100, तो टाइप क्या बताएगा मुझे यहाँ पे, मेन डॉट जेएस इंटर, देखें इसने टाइप बता दिया नंबर। तो ये वेरिएबल का टाइप क्या है, नंबर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो येस लिख लें चैट बॉक्स के अंदर। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से। क्लियर क्लियर गुड। अच्छा जी, तो ये तो हो गया हमारे पास। सर वो पिक्चर का पढ़ाएंगे, पिक्चर कौन सी आप कह रहे हैं, क्लियर करें। अच्छा वो पिक्चर कह रहे हैं आप शायद, नहीं वो तो हम यहाँ पे अभी नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी के टॉपिक्स पहले कर ले। अच्छा वो जो पिक्चर मिली थी ना हमें, मेरी एडवाइस ये है कि वो क्योंकि आपकी सेल्फ स्टडी के, वो हमारी सेल्फ स्टडी के लिए है, उसको एक्सप्लोर करना है चीज़ों को समझने के लिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम टॉपिक्स को देंगे क्लासेस की, उसके बाद टाइम मिला तो इंशाल्लाह वो भी हम कर लेंगे, लेकिन पहले प्रायोरिटी हम दूसरी चीज़ों को देंगे। बाकी जो सेल्फ स्टडी के लिए मिलता है उसको हम भी देख लेंगे इंशाल्लाह, टाइम मिला तो उन पे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एवरी वन इज क्लियर, तो चलें। तो ये हमारे पास हो गए लेट, कॉन्स्ट और वार। अच्छा अब इनमें डिफरेंस क्या होता है ये भी देख लेते हैं, इसको मैं अगर कमेंट आउट कर दूं, और मैं यहाँ पे आके हेडिंग लगा देता हूँ डिफरेंस। सेव कर देते हैं इसको, और यहाँ पे आते हैं। अच्छा एक और काम करते हैं ना, एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे, ये भी हमें क्लास में पढ़ाई गई थी तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या थी, वो था टाइप एनोटेशंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइप एनोटेशन। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। वेरिएबल आपने कहा स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं होता, तो हम नंबर, टेक्स्ट,
कुछ भी हो वो वेरिएबल ही होगा। क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हो रहा, प्लीज क्वेश्चन को रिपीट करें, यहाँ पे दोबारा से लिखें। ठीक है, तो वेरिएबल टाइप एनोटेशंस क्या होते हैं? अब जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए थे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और कमेंट हटा देते हैं। अब जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो ये टाइप स्क्रिप्ट में हम इस तरह से वेरिएबल के नाम के बाद कॉलन देंगे। ठीक है, कॉलन के बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख के इसको बता सकते हैं वेरिएबल को कि इस वेरिएबल के अंदर में स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाह, ठीक है, और इसके भी अंदर में स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके भी अंदर में, इसके अंदर में क्या करवाना चाह रहा हूँ, नंबर स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी आपने डेटा टाइप स्टोर करवाना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इस राइट एक वेरिएबल बना दिया इस दिस राइट के नाम से, और इसके अंदर मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। अब ये हमारे पास डेटा टाइप क्या है, बूलियन है, तो मैं यहाँ पे कॉलन लगा के इसको बता सकता हूँ कि ये मेरे पास डेटा टाइप बूलियन है, इस वेरिएबल के अंदर मुझे बूलियन स्टोर करवाना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने देखे इसको कहा है कि इसके अंदर मुझे box1 के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करवाना है, तो मुझे प्रॉपर इसके मुताबिक चलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एप्पल की जगह 100 स्टोर नहीं करवा सकता, यहाँ पे मुझे एरर बता दे, बता रहा है एरर। तो ये चीज होती है, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर बताया इसको, तो नंबर लिखने के बाद मैं यहाँ पे अगर कोई स्ट्रिंग स्टोर करवा लूँ तो ये एरर दे देगा यहाँ पे, देखें। तो ये स्ट्रिक्टनेस होती है हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट की, जो आपने एक दफा साइन कर लिया वही चीज हमें करनी होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे साथ साथ स्लाइड्स भी ओपन कर रखी थी। एनोटेशंस देना लाजमी होता है, बिल्कुल एनोटेशंस देना लाजमी होता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि अगर ना दें तो भी काम चल जाता है। ठीक है, दोनों तरीकों से कर लेंगे, लेकिन जब आप प्रोफेशनली आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को देनी पड़ेगी। तो बेटर ये है कि अभी से इनकी प्रैक्टिस आप लोग जो है वो करते हुए चले। वी कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन इन एनी डेटा टाइप, मैथमेटिकल ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट एज वेल। अच्छा, जो भी ऑपरेशन होते हैं ना, अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, वो आपके उसी पे अप्लाई होंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशन किन पे अप्लाई होते हैं मैथमेटिक्स में? नंबर पे, तो वो हमेशा नंबर पे ही अप्लाई होंगे। ठीक है, जैसे आप 2 को 2 से, 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5 आता है, ये एक ऑपरेशन है डिविजन का। ठीक है, तो ये उन्हीं के नंबर्स के ऑपरेशन होते हैं। अच्छा, ये वही स्लाइड्स हैं जो हमें क्लास में उस दिन पढ़ाई गई थी। अच्छा, इनको नेमिंग, वेरिएबल नेमिंग भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो एनोटेशंस के बाद हम नेमिंग देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो मैंने नाम दिया है box1 या माई वेरिएबल या इज दिस राइट, तो ये नाम देने के भी कुछ रूल्स होते हैं, उसूल होते हैं। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं साथ साथ, यहाँ तक क्लियर है तो येस लिखना चाहिए बॉक्स में एनोटेशंस का। अच्छा, एनोटेशंस की एक और चीज होती है, जैसे मिसाल के तौर पे वेरिएबल्स की और एनोटेशंस की एक और चीज होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं नीचे आके कहता हूँ box1 के अंदर मैं यहाँ पे ऑरेंज स्टोर करवा लेता हूँ, तो हो जाएगी, अपडेट हो जाएगा हमारा वेरिएबल। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज के बजाय अगर नंबर लिख लेता तो अगेन एरर दे देता। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर इसको बता दिया है कि ये स्ट्रिंग ही, अगर नहीं भी बताता मैं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पे box1 के अंदर हमने स्ट्रिंग स्टोर करवाया है। तो दोबारा से अगर इसको अपडेट करूंगा मैं इस वेरिएबल को, तो यहाँ पे एरर दे देगा, जबकि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा तो ये अपडेट हो जाए। ठीक है, अब कोई भी एरर नहीं दे रहा, तो ये भी चीज एक होती है, ये भी इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे अब। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेव और इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। यस, क्लियर, गुड। चलें, वेरिएबल हमारे पास टाइप एनोटेशंस के बाद हम आ रहे थे नेमिंग कन्वेंशंस, कन्वेंशंस कह लें या जो भी कह लें आप इसको। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशंस मतलब किसके नेमिंग कन्वेंशन? वेरिएबल्स के। नेमिंग में यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में कुछ बनाए हुए हैं तो वो भी देख लेते हैं साथ साथ। अब देखें, कुछ चीजें आप नाम बनाते वक्त कर सकते हैं, कुछ चीजें नहीं कर सकते। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या चीजें नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज रिजर्व्ड नेम्स। अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे एक वेरिएबल बनाना हो तो मैं इस तरह नहीं बना सकता, लेट लेट इज इक्वल टू अरे। ठीक है,
तो लेट क्या है, लेट हमें पता है जावा स्क्रिप्ट में, सॉरी टाइप स्क्रिप्ट में हम डिक्लेरेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये टाइप स्क्रिप्ट में रिजर्व का मतलब होता है उसने अपने पास ऑलरेडी चीजें, कुछ वर्ड्स अपने यूज के लिए रखे हुए हैं, तो उस उन चीजों को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कंसोल के नाम से भी वेरिएबल नहीं बना सकता, मैं यहाँ पे कहूँ लेट कंसोल इज इक्वल टू वैल्यू, इस तरह भी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कंसोल जो है वो टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन है, मेथड है, जो कि यूज होता है कोई भी चीज यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए। इसी तरह आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी नहीं लिख सकते, ठीक है, स्ट्रिंग इक्वल्स वाली भी नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा, लेकिन हमें ये चीजें नहीं, जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं वो हमें यहाँ पे यूज नहीं करने। जैसे मैंने आपको टाइप ऑफ का बताया था, टाइप ऑफ एक मेथड होता है, टाइप ऑफ एक मेथड होता है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे टाइप चेक करने के लिए डेटा का, तो ये भी हम यूज नहीं कर सकते। तो ये होते हैं रिजर्व कीवर्ड्स, ठीक है, तो रिजर्व कीवर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद क्या, यू कैन नॉट बिगिन विथ नंबर। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे बॉक्स वन लिखा, बॉक्स वन के अंदर मैंने अली नहीं स्टोर करवाया, मैंने फ्लावर स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब ये वन मैंने एंड में तो दिया है, बॉक्स वन मैं यहाँ पे नहीं दे सकता था, ये भी रूल होता है वेरिएबल बनाने का, वन बॉक्स नहीं कर सकते आप, मतलब नंबर आप पहले नहीं दे सकते और ना ही किसी नंबर को एज अ वेरिएबल नेम रख सकते हैं, तो इस तरह भी नहीं कर सकते आप। ये चीज होती है, यू कैन नॉट पुट स्पेस इन अ नेम। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ माई बॉक्स, तो इस तरह तो मैं बना सकता हूँ वेरिएबल, लेकिन मैं माई स्पेस बॉक्स इस तरह वेरिएबल नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड हो गए, तो ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद लास्ट से नो अदर सिंबल देन डॉलर और अंडर स्कोर, ये कोई भी यहाँ पे सिंबल नहीं यूज कर सकते सिवाय डॉलर के और अंडर स्कोर के। तो आप डॉलर कहीं भी पहले लगा लें, आखिर में लगा लें, या अंडर स्कोर लगा लें, तो ये चीजें आप लगा सकते हैं। तो हम मोस्टली वेरिएबल इस तरह भी बना रहे होते हैं अंडर स्कोर के साथ, जैसे मैंने बनाया माई बॉक्स, तो इस तरह बना लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्नैक केस, स्नैक केस हम देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया जो नई चीजें यूज कर सकते हैं आप, वो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर परसेंट साइन लगा दो मुझे एरर दे देगा, परसेंट साइन नहीं दे सकता कोई भी, और उनके अलावा जो मैंने बताई कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकता। उसके बाद क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है, तो यूज कैमल केस वेरिएबल नेम्स, एग्जाम्पल कैमल केस यूज कर सकते हैं विथ नंबर एंड नेम। कैमल केस देख लेते हैं क्या होता है, कैमल केस जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय बॉक्स, अब ये मैंने सिंपल ही माय का एम छोटा है, बॉक्स का बी छोटा है, ठीक है। हम माय बॉक्स को अगर इस तरह लिखें, एम स्मॉल ही रखें पहले वर्ड का और सेकंड वर्ड का मैंने बी कैपिटल कर दिया, अब आगे के जितने भी वर्ड स्टार्ट हो, माय बॉक्स वन कर लेते हैं इसको, तो आगे के जितने भी आपके वर्ड्स स्टार्ट होंगे उनका पहला लेटर अगर आप कैपिटल कर दें तो इसको हम कहते हैं कैमल केस। जैसे एक वेरिएबल बना रहे हैं उसके अंदर काफी सारे वर्ड्स हैं, मोर देन वन वर्ड है, कि माय बॉक्स वन, तीन वर्ड है इसके अंदर, तो पहले वर्ड को छोड़ के सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, फिर उसके बाद जो वर्ड आया उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल, ठीक है, फर्स्ट लेटर सॉरी कैपिटल, माय बॉक्स वन इन, ठीक है, मैं जितने ज्यादा वर्ड्स ऐड करता जाऊंगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करता जाऊंगा, माय बॉक्स वन इन द रूम, ठीक है। जितना बड़ा आप नाम होगा आपके वेरिएबल का उस हिसाब से आप जो है लेटर्स कैपिटल करते जाएंगे फर्स्ट लेटर को छोड़ के, इसको हम कहते हैं कैमल केस। इसको क्या कहते हैं, केस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट, अच्छा इसी को अगर मैं इस तरह लिखूँ माय बॉक्स वन, ये इसको हम कहते हैं स्नैक केस, इसके अंदर मैं कुछ स्टोर भी करवा लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे फ्लावर्स ही स्टोर करवा लेता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि दिस इज व्हाट स्नेक केस, तो यहाँ पे एनिमल एनिमल चल रहा है, ठीक है ना, तो ये कैमल केस हो गया, ये स्नेक केस हो गया। अच्छा क्वेश्चन है कि सर एडिशनल डेटा टाइप्स लाइक नल एंड सिंबल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, तो नल तो आपको पता चल जाएगा, नल जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब नल से इंटरेक्शन हमारा होता है,
है, सिंबल्स के साथ हमारा नहीं होता, यूं समझे ना होने के बराबर होता है, लेकिन ना होने के बराबर होता है, कोई ओकेजनली होता होगा, ठीक है। तो नल इंशाल्लाह हम आगे चल के देख लेंगे नल क्या होता है। तो आज क्योंकि काफी टाइम हो गया है, तो वैसे वैसे भी वो चीजें आगे हमारे पास आती रहेंगी, तो उनको साथ साथ सीखते हुए जाएंगे। तो ये हमारे पास होता है कैमेल केस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक होता है पास्कल केस। तो अगर इसी को मैं इस तरह लिखूं, माय बॉक्स, ठीक है, मैं यही चीज यहाँ पे रख लेता हूँ, माय बॉक्स वन इन द रूम। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसको मैं पास्कल केस कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये फर्क आप लोग बताएं मुझे, चैट बॉक्स में क्या फर्क, इसको मैं क्या कहूंगा, पास्कल केस, ठीक है। तो फर्क क्या है इसमें और इसमें, इसका पहला लेटर भी कैपिटल है, ठीक है। जिसके सारे वर्ड्स के पहले लेटर कैपिटल हो उसको हम पास्कल केस कहेंगे, ठीक है। जिसका पहला लेटर स्मॉल हो बाकी सारे वर्ड्स के पहले लेटर कैपिटल हो उसको हम कैपिटल केस कहेंगे, और ये हमारे पास स्नेक केस आ गया। अच्छा, मोस्टली कौन सा यूज होता है मुझे आप बताएं, जिनको जावा स्क्रिप्ट आती है, जो एक्सपर्ट है यहाँ पे वो बताएं, मोस्टली कौन सा इसमें से हम यूज करते हैं वेरिएबल का नेमिंग के लिए, ठीक है। सर फर्स्ट वाला कैमल केस। बिल्कुल बिल्कुल गुड, फर्स्ट वाला कैमल केस जो है वो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, या कहीं भी हमारे पास ये वाला जो मेथड होता है ये काफी ज्यादा यूज हो रहा होता है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हो गए, ठीक है। चैट बॉक्स में भी ऑलमोस्ट सभी ने सही बताया, कैमल केस गुड, एक्सपर्ट हो गए आप 2-3 क्लासों के अंदर ही, चले अच्छी बात है। तो इसको मैं कर लेता हूँ अब कमेंट आउट, ये हमारे पास नेमिंग कन्वर्जेशन कन्वेंशंस हो गए, ठीक है। अच्छा, स्लाइड से हमने देखा था, तो बाकी सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर दी हैं स्लाइड से। अच्छा, नल यहाँ पे अभी हम नहीं देखते, नल को हम बाद में देख लेंगे, अभी एक और चीज इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, इसके अंदर जो मैंने चीज लिखी हुई है इनका कंपैरिजन लिखा हुआ है, तो कंपैरिजन देख लेते हैं। लेट कॉन्स्ट और वार में फर्क क्या है, तो वार जो था ना, जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, टाइम टू टाइम टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, ये चीजें अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। तो जो सबसे पुराना जावा स्क्रिप्ट था उसके अंदर वार होता था, लेट और कॉन्स्ट तब तक था ही नहीं, ईजाद ही नहीं हुआ था, यूं समझ लें यूं कह लें, ठीक है। तो लेट और कॉन्स्ट बाद में आए, आई थिंक 2015 के बाद आए, ठीक है। तो पहले वार यूज होता था। अब इनमें फर्क क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड अपडेटेड, वार के साथ आप जब वेरिएबल बनाते हैं तो वो रीडिक्लेयर भी हो जाता है, अपडेट भी हो जाता है। अब ये रीडिक्लेरेशन और अपडेशन क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे VS कोड पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, चलिए वार के साथ बना, ठीक है, वार माय बॉक्स इक्वल्स टू एप्पल्स, ठीक है, बॉक्स माय बॉक्स के अंदर एप्पल्स आ गए। अब मैं अगर यहाँ पे ये करूँ, मैंने एक माय बॉक्स के अंदर जो चीज स्टोर करवा ली, मैं दोबारा यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखूंगा और उसके अंदर मैं एप्पल्स के बजाय ऑरेंज रख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे यह क्या किया है, कॉन्सेप्ट समझ लें, मैंने बॉक्स के अंदर से एप्पल्स निकाल के ऑरेंज रख दिए, इसको हम कहते हैं अपडेशन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपडेशन। अपडेशन में क्या होता है, एक दफा डिक्लेयर हो जाता है, इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। ये जो हुआ है हमारा यहाँ पे पहली लाइन पे, जब हम कोई भी चीज लिखते हैं वार या लेट, तो उसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। और उसके नीचे हम दोबारा जब वैल्यू चेंज कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है, तो सॉरी अपडेशन, ये हमारे पास अपडेट हो गया वैल्यू। तो यही चीजें हम लेट और कॉन्स्ट में भी कर सकते हैं अपडेशन, ठीक है। अपडेशन अलाउ होती है कि एक चीज, एक वेरिएबल से आपने एक चीज निकाल के दूसरी चीज डाल दी, आप जितनी दफा मर्जी चाहें इसको अपडेट करें। मैं अगेन यहाँ पे बॉक्स के अंदर यहाँ पे आके कह देता हूँ बीच, ठीक है, बॉक्स के अंदर मैंने ऑरेंज निकाल के अब बीच रख दिया। अब आप कंसोल के अंदर अगर रखें तो हमेशा नीचे वाली जो आखिरी वाली अपडेशन होती है ना वही वैल्यू आता है। तो मैं अगर इसके अंदर माय बॉक्स रखूँ और इसको मैं यहाँ पे नो
जेस, क्या है इसके अंदर, पीच आ गया। तो माय बॉक्स के अंदर हमेशा आखिरी वाला जो अपडेट था, क्योंकि हमेशा अपडेट तो वही आता है जो रिसेंट अपडेट हो, ठीक है, वो अब वैल्यूज गायब हो गए, अब पीच आ गया इसके अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपडेशन कहते हैं इसको, ठीक है। और डिक्लेरेशन क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को वार लेट या कॉन्स के साथ पहली पहली दफा उसको इंट्रोड्यूस करवाएं वेरिएबल को, उसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। तो यहाँ तक क्लियर है डिक्लेरेशन और अपडेशन का, ठीक है। तो चैट बॉक्स में बता दें प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस, जैसे मैंने कहा तबीयत में मजा नहीं है, तो ये बार बार माई थ्रोट इज, ठीक है, येस गुड क्लियर गुड, चलिए अच्छी बात है। तो अब आते हैं कि वार में होता क्या, कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड अपडेटेड। अपडेट तो हमने करके देख लिया, अपडेट तो हो रहा है, अपडेट तो सारे होते हैं, अपडेट कॉन्स्ट वाला भी हो जाता है, जैसे मैंने इसको अगर लेट के साथ किया होता तो लेट वाला वेरिएबल भी अपडेट हो जाता है इस तरह से, और कॉन्स्ट वाला भी वेरिएबल भी। कॉन्स्ट वाला क्या होता है, कॉन्स्ट वाला अपडेट नहीं होता, आई एम सॉरी, कॉन्स्ट वाला क्या, कॉन्स्ट का मतलब ही यही है कॉन्स्टेंट, ये जो कॉन्स्ट वर्ड है ये निकला कहाँ से, ये कॉन्स्टेंट से निकला है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि हमेशा एक ही वैल्यू होता है उसके अंदर, ठीक है, कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्ट इसमें इसके अंदर से लेते हैं। तो कॉन्स्ट पे हम आते हैं, सबसे पहले तो हम वार देख लेते हैं ना, तो वार को हमने अपडेट तो करवा दिया, अब वार को आप रीडिक्लेयर भी कर सकते हो, वार के साथ वाला जो तो वेरिएबल होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे किया वार माय बॉक्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर करवा दिया बॉल्स, ठीक है, बॉल करवा लिया इसके अंदर, माय बॉक्स के अंदर बॉल, ठीक है। तो ये देखिए मैंने दोबारा से डिक्लेयर करवा दिया इसको, ये क्या है, ये अगेन डिक्लेयर करवाया मैंने माय बॉक्स वेरिएबल, ठीक है। तो ये होता है अगेन डिक्लेरेशन। अब ये चीज आप लेट के साथ नहीं कर सकते हो, कॉन्स्ट के साथ भी नहीं कर सकते। तो अब आते हैं यहाँ पे, मैं कहता हूँ लेट योर बॉक्स इक्वल्स टू फ्लावर्स, ठीक है, योर बॉक्स के अंदर क्या है, फ्लावर्स है, ठीक है। तो इसको मैं अपडेट तो कर सकता हूँ, योर बॉक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं क्या रखूँ, अब एप्पल्स रख लेता हूँ फ्लावर्स निकाल के, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, योर बॉक्स जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और उसके अंदर अब एप्पल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अपडेट हो रहा है लेट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेट को हम री डिक्लेयर नहीं कर सकते। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, वार को मैंने यहाँ पे माय बॉक्स को री डिक्लेयर करवा दिया वार के साथ, ठीक है, अगर मैं बॉल के बजाय यहाँ पे स्ट्रिंग के बजाय नंबर लिख लेता तो क्या कर रहा है, ये एरर दे रहा है, क्यों क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि इसको यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसके अंदर तो स्ट्रिंग ही आना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर नंबर लिख दिया, तो इसके अंदर हमें डिक्लेरेशन में भी स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा, तो ये रीडिक्लेयर हो रहा है। तो अब मैं वार को यहाँ पे कमेंट आउट कर लेता हूँ, लेट पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीके? ये मैंने लेट को यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर किया, और ये मैंने इस लाइन में क्या किया, लेट को अपडेट किया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके अगेन लेट वाले वेरिएबल को रीडिक्लेयर करूंगा तो देखें एरर बता देगा, इसके अंदर मैं लेट से पीच करूँ, ये मैंने क्या किया यहाँ पे रीडिक्लेयर, तो ये रीडिक्लेयर नहीं हो सकता लेट के साथ, लेकिन वार के साथ हो रहा था, कोई एरर नहीं दे रहा था। तो ये लेट और वार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का, तो चैट बॉक्स में येस लिख लें, क्लियर लिख लें, इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अच्छा यही चीज अब कॉन्स्ट के साथ देख लेते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। अब मैंने लेट से कॉन्स्ट के साथ अगर एक वेरिएबल बना दिया, और वेरिएबल बना लेता हूँ लैपटॉप के नाम से, ठीक है, इसके अंदर मैं रख लेता हूँ फाइल्स, लैपटॉप के अंदर फाइल्स हैं। अब मैं अगर इसको अपडेट करूं, यहाँ पे मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया, ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे करता हूँ लैपटॉप को अपडेट, अपडेट कैसे करते हैं, जस्ट वेरिएबल का नाम लिखेंगे और मैं लैपटॉप से फाइल्स हटा के सॉफ्टवेयर रख लेता हूँ, ठीक है, या मूवीज रख लेता हूँ,
मैंने अपडेट किया, ये मैंने क्या किया, अपडेट। तो अपडेट हो रहा है, नहीं हो रहा। कॉन्स्ट के साथ अपडेट नहीं होता, तो ये कॉन्स्ट का, कॉन्स्ट की प्रॉपर्टी है, उसको अपडेट भी नहीं कर सकते ना ही उसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कॉन्स्ट लैपटॉप, कॉन्स्ट इसके अंदर हम रख लेते हैं, अगेन फाइल्स कर लेते हैं, तो इसको मैंने अगेन रीडिक्लेयर किया, रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये मैंने नोट्स भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है तो मीन वाइल आप चैट बॉक्स में येस येस और क्लियर लिखते जाएं, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर बट अपडेटेड। लेट के साथ जो हमारा वेरिएबल होता है उसको अपडेट तो कर सकते हैं लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट के दोनों नहीं कर सकते, ना रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है इन तीनों वेरिएबल्स के डिफरेंस में। वार क्या है, इट इज अ ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। लेट क्या है, इट इज अ ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। और कॉन्स्ट भी, इट इज अ ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देख लेते हैं हम कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है और आपका ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लॉक क्या होता है। अब इसके लिए हमें थोड़ा अज्यूम करनी पड़ेंगी कुछ चीजें। जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा चैट बॉक्स में देख लेता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स, बिल्कुल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही हमारा ब्लॉक होता है, लेकिन उसको हम किसी न किसी मेथड के अंदर या फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो आप फिलहाल कंडीशनल स्टेटमेंट जिनको नहीं पता वो उसको ना समझे, जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा आप यहाँ पे। इफ एक्स इज इक्वल टू 10, मैं यहाँ पे पहले तो एक्स को डिक्लेयर कर देता हूँ ना कि एक्स के अंदर मेरे पास 10 का वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट बना दिया, इफ एक्स इज इक्वल टू 10। अब जो भी हम कंडीशनल बनाए या फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर कर्ली ब्रेकेट्स आते हैं, ये कर्ली ब्रेकेट्स नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। तो कर्ली ब्रेकेट जहां से स्टार्ट होता है वहां से आपका, यूं समझे कर्ली ब्रेकेट के अंदर, इसको हम कहते हैं ब्लॉक। क्या कहते हैं, ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर आप कुछ भी काम कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसके अंदर एक और वेरिएबल भी असाइन कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ लेट माई बॉक्स इज इक्वल टू, माई बॉक्स के अंदर क्या है, फ्लावर्स। ये मैंने ब्लॉक के अंदर किया, लेट माई बॉक्स इज इक्वल टू फ्लावर्स। अच्छा जी, तो अब ये क्या है, ये मैंने ब्लॉक के अंदर लिखा है लेट माई बॉक्स इज इक्वल। एक और वेरिएबल बना लेता हूँ वार के नाम से, वार के साथ डिक्लेयर करवा लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ यूअर बॉक्स, वार यूअर बॉक्स इज इक्वल टू एप्पल्स, ठीक है। और एक और बना लेता हूँ कॉन्स्ट के नाम से, कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर कर लेता हूँ, इसको कह देते हैं हिज बॉक्स, बॉक्स इज इक्वल टू बॉक्स में पीछे, ठीक है, सेव कर लेते हैं। लेकिन तीनों टाइप से मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिए वेरिएबल्स को, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कहीं पे ओपन तो नहीं है, सारे कमेंटेड है। अब मैं यहाँ पे आके अगर कंसोल के अंदर, मैं ब्लॉक से बाहर आके कंसोल के अंदर इस वेरिएबल को अगर रखूं, क्या आना चाहिए हमारे पास, एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये लेट माय बॉक्स जो वेरिएबल मैंने बनाया है ये मैंने ब्लॉक के अंदर बनाया है, तो ये ब्लॉक के बाहर इसको टाइपस्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि माय बॉक्स है क्या। तो अगर यही कंसोल मैं यहां से उठा के ब्लॉक के अंदर रखता तो कोई भी एरर नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई भी एरर नहीं आ रहा, तो हमारे पास ये यहाँ पे प्रिंट होके भी आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास फ्लावर्स आ गया। तो ये लेट जो है आपका माय बॉक्स जो होगा ये ब्लॉक के अंदर ही पहचाना जाएगा, बाहर नहीं पहचाना जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं ब्लॉक इसको। इसी तरह कॉन्स्ट भी ऐसे ही होता है। अब कॉन्स्ट का कौन सा वेरिएबल है, हैज बॉक्स, ठीक है। तो अगर हैज बॉक्स में यहाँ पे रख लेता, ठीक है, तो आ जाएगा। अगर मैं बाहर रखता यहाँ पे इसका कमेंट हटा दूं तो हमें एरर दे देगा, बाहर भी ये कॉन्स्ट वाले वेरिएबल को नहीं पहचानेगा कि ये कॉन्स्ट वाला वेरिएबल है क्या, ठीक है। हैज बॉक्स अंदर तो काम करेगा बाहर नहीं करेगा, तो इसको वापस कमेंट आउट कर लेते हैं। अच्छा,
अच्छा, इसी तरह थर्ड हमारे पास है वार के साथ, जो हमने बनाया है यूअर बॉक्स के नाम से, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे तो आ जाएगा वार के साथ। वार की एक ये खासियत होती है कि वार का जो होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है, यानी बाहर भी काम करता है। तो यूअर बॉक्स को, वेरिएबल को, अगर मैं ब्लॉक के बाहर भी रखूंगा तो भी हमें कोई एरर नहीं देनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्यों एरर दे रहा है भाई? तो इसको करते हैं सेव। अच्छा, ये टाइप स्क्रिप्ट की वजह से आई थिंक, देख लेते हैं इसको। यहाँ पे मैं करता हूँ नोड मेन डॉट जेस, ठीक है? तो ये देखें, हमारे पास यहाँ पे भी काम कर रहा है, यहाँ पे भी काम कर रहा है, ये भी हमारा प्रिंट होके आ गया एप्पल्स, और ये भी हमारे पास एप्पल्स प्रिंट होके आ गया। टाइप स्क्रिप्ट क्योंकि स्ट्रिक्ट टाइप है, तो इस वजह से ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि मैंने दो दफा लिखा है यहाँ पे। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में क्योंकि हमारे पास आ गए, तो वहां पे कोई भी एरर शो नहीं कर रहा, देखें। और यही चीज मैंने यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करवाई, तो दोनों प्रिंट होके आ गए। इसका मतलब क्या है? तो वार का बस कॉन्सेप्ट ये समझ लें कि ये ग्लोबल स्कोप होता है, ब्लॉक के अंदर भी आएगा, बाहर भी इसको पहचाना जाएगा, ठीक है? तो ये होता है इन तीनों का डिफरेंस। आई होप कि अब आप लोगों को ब्लॉक स्कोप और ग्लोबल स्कोप भी समझ आ गया होगा। तो चैट बॉक्स में बता दें अगर क्लियर हो गया है, तो अगर कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर लें।